नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जो 10 गुना से 20 गुना तो छोड़ो 50 से 100 गुना तक का भी रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है, क्योंकि ये सेक्टर अभी इंडिया में पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वहीं बात करें इसी सेक्टर को अदर कंट्रीज़ में, तो इस सेक्टर में कई मल्टी बिलियनरीज कंपनी भी बन चुकी हैं। और जो कंपनी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ना, वह इंडिया में इस यूनिक सेक्टर की एक मात्र लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों आपको पता होगा टेंसेंट गेमिंग एक चाइनीज कंपनी है जिसका रिवेन्यू ही 6 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं इंडिया में एक मात्र लिस्टेड गेमिंग कंपनी है जिसने क्रिकेट का सबसे पॉपुलर गेम बनाया है। अगर आप गैस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो के एंड में आपको पता है चल ही जाएगा। तो जो ये इंडिया में एक मात्र लिस्टेड कंपनी है ना, उसका टोटल वैल्यूएशन ही 4000 करोड़ का है। वहीं चाइनीज कंपनी का रिवेन्यू 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। तो इस चीज़ को देखो, और इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग के क्रेज़ को देखते हुए यह एक मात्र लिस्टेड कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करेगी। और अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ आप भी एक अच्छा रिटर्न इससे कमा पाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बट मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की अपडेट मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स को जानते हुए। अब देखते हैं सबसे पहले कंपनी के टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो 5 दिन में देखोगे 0.95% की हमें पॉजिटिविटीज़ में देखने को मिलती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि शेयर का प्राइस एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। अगर हम एक महीने की बात करें तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे, 3% की नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन आप इसके ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है पिछले एक महीने से। बात करें एक साल की, तो जैसा मैंने आपको अपने थंबनेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शेयर अभी आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है एक महीने के ग्राफ के अकॉर्डिंग, आप अपने स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में आप देखोगे 30% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आप ये कहोगे भाई गिरावट का दौर ही हमें इसमें देखने को मिल रहा है, भाई 30% की गिरावट है ऑल टाइम में, ठीक। सबसे पहली चीज़ यह है समझो कि जो ट्रेंड बाहर आता है ना, उसका ट्रेंड जो आता है इंडिया में वो थोड़ा लेट आता है, और बाहर जो गेमिंग सेक्टर का जो ट्रेंड है ना, वो अभी इंडिया में आधा भी नहीं आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ट्रेंड आएगा तो ये एक मात्र लिस्टेड कंपनी काफ़ी तगड़े से ग्रो करेगी। दिखा दूँ मैं इसने किस प्राइस पे जाकर आ चुकी है, तो आप देख पाओगे यह शेयर आपको 1561 रुपये के प्राइस से इतने कम दामों पर मिल रहा है, यानी मैं कहूँ एक तिहाई दाम पर यह शेयर अभी आपको मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ते पे ये मिल रहा है। अभी कंपनी के मैं आपको फंडामेंटल्स चेक कराता हूँ, आपको तब यकीन होगा कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है फ्यूचर में। सीधा देखते हैं कंपनी की जो मार्केट कैप है ना, वह आप देखो 3848 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 4000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है कंपनी की। कंपनी का स्टॉक भी हमें जरूर ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी की ROC और ROE दोनों ही हमें पॉजिटिव देखने को मिलती है। कंपनी का एक साल का अधिकतम 1344 और एक साल का न्यूनतम 475 रुपये है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के हम सेल्स की, क्योंकि भाई कंपनी की सेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंपनी की ईयरली सेल देखें तो आप यहाँ पर देख पाओगे 2021 में कंपनी की सेल हुई थी 454 करोड़ की, उसके बाद इस साल कंपनी की सेल हुई है 622 करोड़ की। अगर आप कंपनी के डेटा पर ध्यान देंगे ना, तो 2019 के बाद से लगातार कंपनी ने ग्रो कराया, कंपनी की सेल लगातार ग्रो हुई है। इस चीज़ का असर डेफिनेटली हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। एक समय पे जो कोविड का टाइम था, उस समय कंपनी के जो नेगेटिव रिटर्न्स आए थे, उसके बाद कंपनी ने रिकवर करा और 14 करोड़ के प्रॉफिट लास्ट ईयर और इस साल 2022 में 51 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की। देखो कंपनी पे ना 1073 करोड़ का रिजर्व है और मात्र 19 करोड़ का डेप्ट है। सबसे पहले तो यह चीज़ क्लियर कर लो कि डेप्ट कोई मायने नहीं रखता है, कि जो कर्ज है ना, ये कुछ भी मायने नहीं रखता इतने बड़े रिजर्व के आगे। अब सिंपल सी बात यह समझो कि भाई जो कंपनी 500 से 600 करोड़ रुपए की तो सेल कर रही है, ठीक है, इतनी सेल कर रही है ना अभी तो, और उस पर 1073 करोड़ का रिजर्व है, तो भाई आने वाले समय में जब ट्रेंड इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली और भी कंपनीज आएंगी। लेकिन अगर इस कंपनी पे इतना तगड़ा रिजर्व है तो ये जो अपने एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस कर अपनी सेल बढ़ा सकती है और अपने एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट अदर कंपनीज के कंपैरिजन में लगा सकती है, तो इसके जो ग्रो होने के चांसेस है ना,
वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी को कैसे डिफाइन करता है। अगर आप देखोगे इसमें एक डिसेंट सी प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है जो 19.17% की आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स 10.34% की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। बहुत कम आपको इतनी होल्डिंग FII की देखने को मिलती होगी। दोबारा बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो गेमिंग बार बार बोल रहा हूँ, जो गेमिंग का ट्रेंड बाहर के देशों में है ना, वो भाई FII पहचानते हैं और उन्हें पता है कि अभी इस ट्रेंड जो ये जो ट्रेंड वर्ल्ड में है उसका आधा ट्रेंड भी इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने खुद एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जब इंडिया में ये ट्रेंड आएगा तो वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर पाए। इसीलिए इसमें हमें FII की 10.34% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसमें DI की 5.43 और पब्लिक की मात्र 65.6% की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अभी काफ़ी डिसेंट हमें नज़र आता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जिसका आपने सुना होगा। इसने काफ़ी पॉपुलर क्रिकेट गेम बनाया था, वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप। तो उसके बाद से ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी है और आने वाले समय में ये बहुत ही तगड़े रिटर्न भी आपको बनाकर दे सकती है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हों। दोस्तों फ्यूचर की जो हमारी क्या कहते हैं डिमांड होती है ना, उसको देखते हुए ही हमें किसी चीज़ में निवेश करना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपनी स्टडी ज़रूर ऐड कर लेना। अपनी स्टडी ऐड करोगे एक राइट और एक अच्छा डिसीजन आप किसी भी शेयर के ऊपर अपना बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही अन्य आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय रहते आपके साथ साझा कर पाएँ।